एक 17 साल दी नाबालिग दा व्याह कीता जाना सी, पर उसे दौरान महिला ते बाल विकास विभाग नूं सूचना मिल गई ता अधिकारी अपनी टीम दे नाल मौके ते पहुंच गए अते नाबालिग दा व्याह रुकवा दिता। नाल दे नाल परिवार नूं वी समझाउंदे होए चेतावनी दिती गई, जिस दे बाद ओह मन गए। अधिकारी मधु जैन ने दस्सिया कि उन्हां नूं सूचना मिली सी कि मलाका पिंड दे विच इक परिवार दे विच दो कुड़ियां दे व्याह किते जा रहे ने, जिस दे विच इक दी उमर 17 साल दी है जो कि नाबालिग है, जिस दी बरात पुनहाना पिंड तों आनी सी। सूचना तों बाद ओह मौके ते अपनी टीम लैके उस पिंड च पहुंची अते परिवार तो लड़की दे दस्तावेज मंगवाए ते उसकी जांच कीती। पुष्टि होण ते परिवार नूं समझाउंदे होए दस्सिया कि नाबालिग लड़की दा व्याह करना कानूनी अपराध है। हालांकि इस दौरान हल्का विरोध भी होया, पर नाबालिग लड़की दे परिवार कानून नूं समझ गए। फ्राइडे के दिन हमें कंप्लेंट मिली कि पलवल डिस्ट्रिक्ट की जो नाबालिग लड़की थी उसकी शादी वो लोग वहाँ अपने तावड़ू ब्लॉक में आकर कर रहे हैं, भंगो गांव में आकर कर रहे हैं। वो लड़के वाले क्योंकि वहाँ पे थे, तो हमें जब पता लगा कि भाई ऐसे शादी वहाँ से छोड़ के यहाँ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उन लड़के वालों को बुलाया, अपने कार्यालय में बुलाकर उनको समझाया और उन्हें बताया कि अगर तुम शादी कहीं भी करते हो नाबालिग लड़की से, तो नाबालिग विवाह नाबालिग का ही माना जाएगा और वो शादी अवैध है और इस शादी को ना करें। तो फिर ये शादी हमने रुकवा दी। और आज हम मलका गांव तावड़ूही ब्लॉक में से कंप्लेंट मिली थी कि दो नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। वहां जब हम गए तो हमने वहां जन्म तिथि के प्रमाण पत्र देखे, वहां पर तो एक लड़की बालिग पाएगी और एक नाबालिग पाएगी। तो बालिग लड़की की शादी वो कर रहे हैं और नाबालिग लड़की की शादी उन्होंने रोक दी है। अगर एफिडेविट देने के बावजूद या मना करने के बावजूद भी वो शादी करते तो उनके खिलाफ FIR लॉज की जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जागरूकता के लिए हम लोग स्कूल लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर गाँवों में जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको लोगों को सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये शादी ना करें। इसके अलावा हम मौलवी वगैरह को भी समय समय पर उन्हें लेटर वगैरह देते हैं कि भाई आप लोग जो निकाह करवाते हो या पंडित विवाह करवा रहे हैं तो उनको कहते हैं कि आप लिखित उनके प्रूफ लो कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जब भी वो निकाह करवाएं या फेरे डलवाएं। एक 17 साल दी नाबालिग दा व्याह किता जाना सी, पर उसे दौरान महिला ते बाल विकास विभाग नूं सूचना मिल गई ता अधिकारी अपनी टीम दे नाल मौके ते पहुंच गए अते नाबालिग दा व्याह रुकवा दिता। नाल दे नाल परिवार नूं वी समझाउंदे होए चेतावनी दिती गई, जिस दे बाद ओह मन गए। अधिकारी मधु जैन ने दस्सिया कि उन्हां नूं सूचना मिली सी कि मलाका पिंड दे विच इक परिवार दे विच दो कुड़ियां दे व्याह किते जा रहे ने, जिस दे विच इक दी उमर 17 साल दी है जो कि नाबालिग है, जिस दी बरात पुनहाना पिंड तों आनी सी। सूचना तों बाद ओह मौके ते अपनी टीम लैके उस पिंड च पहुंची अते परिवार तो लड़की दे दस्तावेज मंगवाए ते उसकी जांच कीती। पुष्टि होण ते परिवार नूं समझाउंदे होए दस्सिया कि नाबालिग लड़की दा व्याह करना कानूनी अपराध है। हालांकि इस दौरान हल्का विरोध भी होया, पर नाबालिग लड़की दे परिवार कानून नूं समझ गए। फ्राइडे के दिन हमें कंप्लेंट मिली कि पलवल डिस्ट्रिक्ट की जो नाबालिग लड़की थी उसकी शादी वो लोग वहाँ अपने तावड़ू ब्लॉक में आकर कर रहे हैं, भंगो गांव में आकर कर रहे हैं। वो लड़के वाले क्योंकि वहाँ पे थे, तो हमें जब पता लगा कि भाई ऐसे शादी वहाँ से छोड़ के यहाँ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उन लड़के वालों को बुलाया, अपने कार्यालय में बुलाकर उनको समझाया और उन्हें बताया कि अगर तुम शादी कहीं भी करते हो नाबालिग लड़की से, तो नाबालिग विवाह नाबालिग का ही माना जाएगा और वो शादी अवैध है और इस शादी को ना करें। तो फिर ये शादी हमने रुकवा दी। और आज हम मलका गांव तावड़ूही ब्लॉक में से कंप्लेंट मिली थी कि दो नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही है। वहां जब हम गए तो हमने वहां जन्म तिथि के प्रमाण पत्र देखे, वहां पर तो एक लड़की बालिग पाएगी और एक नाबालिग पाएगी। तो बालिग लड़की की शादी वो कर रहे हैं और नाबालिग लड़की की शादी उन्होंने रोक दी है। अगर एफिडेविट देने के बावजूद या मना करने के बावजूद भी वो शादी करते तो उनके खिलाफ FIR लॉज की जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जागरूकता के लिए हम लोग स्कूल लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पर प्रोग्राम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर गाँवों में जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको लोगों को सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये शादी ना करें। इसके अलावा हम मौलवी वगैरह को भी समय समय पर उन्हें लेटर वगैरह देते हैं कि भाई आप लोग जो निकाह करवाते हो या पंडित विवाह करवा रहे हैं तो उनको कहते हैं कि आप लिखित उनके प्रूफ लो कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जब भी वो
निकाह करवाएं या फेरे डलवाएं।